गुड मॉर्निंग बच्चों, आज क्लास फोर्थ में मैं जीके का 13 चैप्टर पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है पजल्स। तो देखिए, आंसर द फॉलोइंग पजल्स। यहाँ पर कुछ पहेलियाँ पूछी गई हैं, आपको उनके जवाब देने हैं। तो देखिए, पहला वाला देखिए, कनेक्ट द ऑल डॉट्स विद नॉट मोर देन 4 स्ट्रेट लाइन्स, यानी 4 लाइनों से ज़्यादा लाइन नहीं बनानी है आपको और सारे डॉट्स को कनेक्ट करना है। तो देखिए, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड लास्ट वन फोर्थ लाइन। सेकंड वाला देखिए, व्हाट इज़ इट, ये क्या है, तो इट इज़ इन अ रॉक बट नॉट इन ए स्टोन, यानी ये रॉक में होता है पर स्टोन में नहीं होता। इट इज़ इन द मैरो बट नॉट इन द बोन, ये मैरो में होता है बट बोन में नहीं होता। इट इज़ इन ए मैट्रेस बट नॉट इन अ बेड, ये मैट्रेस में होता है बट बेड में नहीं होता। इट इज़ नाइदर इन अ लिविंग नॉर इन द डेड, यानी ये ना लिविंग में होता है और ना ही डेड में होता है। तो ये क्या है, ये आर है। आर कैसे, देखिए रॉक में आर है, स्टोन में नहीं है, मैरो में आर है बट बोन में नहीं है, मैट्रेस में आर है बेड में नहीं है, लिविंग और डेड दोनों में ही आर नहीं है। फिर इसके बाद अगले पर आएंगे, नंबर 3, व्हाट हैज़ 4 लेग्स 1 हेड एंड 1 फुट, यानी इसके 4 टांगे, एक सिर और एक पैर होता है। तो बेड में आपने देखा है ऊपर एक टॉप पर उसका हेड होता है और पैरों की तरफ एक पैर होता है, लेकिन उसमें 4 टांगे लगी रहती हैं, तो ये हमारा बेड होता है। तो देखिए, 4 नंबर पर, वेयर वुड यू फाइंड फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, सिटीज़ विदाउट हाउसेज एंड ओशंस विदाउट वाटर, यानी यहाँ कहाँ पर आपको जंगल बिना पेड़ों के, शहर बिना घरों के और सागर बिना पानी के मिलते हैं, तो आपको एक मैप के अंदर मिलते हैं। फिर अगला देखिए, 5 नंबर पर, इफ़ अ रेड हाउस हैज़ रेड वॉल्स, यानी रेड हाउस की लाल दीवारें होती हैं एंड अ ब्लू हाउस हैज़ अ ब्लू वॉल्स, ब्लू हाउस की ब्लू दीवारें होती हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ वॉल्स डज ए ग्रीन हाउस हैव, तो ग्रीन हाउस की कैसी दीवारें होती हैं। ग्रीन हाउस आप मालूम ही है, पेड़ पौधों का बना हुआ होता है और इसके लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो इसकी वॉल्स कैसी होती हैं, ग्लास की बनी हुई होती हैं, यानी आंसर क्या होगा, ग्लास वॉल्स। अच्छा, इसमें लास्ट वन देखिए, दी हंग्री गाओ, भूखी गाय, तो ए काऊ इज़ टाइड ए 6 फीट रोप, यानी एक काऊ जो है वो 6 फीट की रोप से बंधी हुई है। यहाँ पर काऊ है जिसमें एक रोप बंधी हुई है जो 6 फीट लंबी है। देयर इज़ अ फील्ड, यहाँ पर एक खेत भी है विद लवली ग्रीन ग्रास, यहाँ पर हरी घास है जो कि 10 फीट अवे फ्रॉम द काऊ, काऊ से 10 फीट दूर है। द काऊ फील्स हंग्री, काऊ को जब भूख महसूस होती है एंड एम्बल्स एक्रोस टू मच द ग्रास इन द फील्ड, तो वो क्या करती है कि वो वहाँ उसके पास जा कर के घास खा लेती है। तो कैसे खाती है वो, तो आंसर होगा द काऊ इज टाइड टू अ रोप, काऊ तो रस्सी से बंधी हुई है बट रोप इज़ नॉट टाइड टू एनीथिंग, यानी उसकी जो रस्सी है वो किसी चीज़ से नहीं बंधी हुई है, यानी गले में रस्सी लगा करके वो ऐसे ही घूम रही है वहाँ पर। आगे देखिए, 14 चैप्टर है आपका फूड एक्सप्रेशंस। फूड एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन क्या है पहले तो ये जानिए, एक्सप्रेशन होता है अभिव्यक्ति, यानी किसी भाव को व्यक्त करना। तो देखिए, दीज ऑल एक्सप्रेशंस हैव नेम ऑफ फूड इन देम, यहाँ पर जितनी भी एक्सप्रेशंस दी हुई हैं उनमें एक फूड का नाम दिया है। तो चूज एंड राइट द करेक्ट वर्ड, यहाँ पर नीचे हेल्प बॉक्स दिया है उसमें से आपको करेक्ट वर्ड चूज़ करके यहाँ इन एक्सप्रेशंस में फिल करना है। तो देखिए, डू यू नो व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन मीन, एक्सप्रेशन जैसे मैंने बताया शाब्दिक अर्थ होता है अभिव्यक्ति, वैसे इसे इंग्लिश के आप मुहावरे भी कह सकते हैं। तो देखिए, पैक्ड इन लाइक शार्डिन्स, तो शार्डिन्स की तरह से पैक किया हुआ, शार्डिन्स एक तरह की फ़िश होती है। तो देखिए, यहाँ पर आपके दिया हुआ है शार्डिन्स का पिक्चर, तो जब इसे पैक किया जाता है टीन के अंदर तो उन्हें एकदम सटा सटा करके ऐसे पैक किया जाता है, जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह में कभी मान लीजिए हम बस में जाते हैं तो ऐसे कह सकते हैं हम उस मुहावरे को कि हम बस में उस तरह से पैक थे जैसे कि सार्डिन्स को किया जाता है। तो देखिए, अगला है आपका नंबर 2, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इन द ईटिंग, यानी पुडिंग कहते हैं हलवे को, तो हलवे का सबूत खाने में है, शाब्दिक अर्थ तो इसका यही हुआ लेकिन यहाँ मुहावरे से अर्थ है कि अगर खाने का आपको पता लगाना है तो उसका तो पता तब चलेगा जब आप उसको चखेंगे, यानी खाना कैसा बना है इसका पता हमें तब लगता है जब हम उसे चखते हैं, चखने के बाद। एज अलाइक एज चॉक एंड चीज़, देखिए चॉक भी वाइट होता है और चीज़ भी वाइट होता है ना।
यहाँ चीज़ का पिक्चर दिया हुआ है। तो देखिए चौक और चीज़ दोनों ही वाइट होते हैं, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो इसका मतलब है यहाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ये इंग्लिश के मुहावरे, एज अ लाइक चौक एज चीज़, मतलब ज़मीन आसमान का अंतर, कलर एक से होते हुए भी उनमें बहुत अंतर है। तो वर्थ हिज सॉल्ट, यानी नमक के लायक, नमक की कीमत के बराबर। तो जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में, नमक हलाल करना जिसे कहेंगे, यानी किसी का अगर हमने नमक खाया है तो हम उसकी उसके उपकार का बदला चुकाएं, उस तरह से कह सकते हैं आप इसे। हैव योर केक एंड ईट इट टू, यानी अपना केक लो और उसे खाओ, यानी एक तरह से कहते हैं मन चाही वस्तु मिलना, यानी जो आप चाहते हैं और वो आपको मिल भी जाए। तो देखिए 6 नंबर पर है, अ लैंड फ्लोइंग विद मिल्क एंड हनी। मिल्क और हनी कहाँ, मिल्क और हनी की मतलब, जैसे इसका मतलब है वैसे, लैंड यानी देश में दूध और शहद की धाराएं बहना। तो दूध और शहद की धाराएं कब बहेंगी, जब देश संपन्न होगा, यानी संपन्नता होना, उसके लिए इस मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है। तो देश में दूध और शहद की धाराएं बहना। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। आप इन दोनों चैप्टर्स को कॉपी में करेंगे, ये भी और ये भी। थैंक यू।